हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे इस वीडियो के थ्रू। दोस्तों, जो आज की वीडियो है स्पेशली दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जितने भी एप्लीकेंट हैं उनके लिए है, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फॉर्म को फिल कर रखा है तो आप लोग अपने इंग्लिश ग्रामर की जो प्रिपरेशन है दोस्तों इस चैनल से कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस को ले रखे हैं जो कि एक्सपेक्टेड भी रहने वाला है आप लोग के एग्जाम के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा है जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर दोस्तों हमें अजर्शन का सिनोनिम्स बताना है क्या हो जाएगा। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 होगा, डिक्लेरेशन, ठीक है। जो यहाँ पर दोस्तों अजर्शन है, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, अभिकथन, ठीक है। जो इसका जो अजर्शन है, इसका जो मीनिंग है अभिकथन होता है, और जो इसका सिनोनिम्स है दोस्तों करेक्ट वो क्या है, डिक्लेरेशन। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों अगला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। दोस्तों, हमें यहाँ पर सर्विलियंस का हमें एंटोनियम्स बताना है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 सोचा है तो बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का आंसर, नेगलेक्ट, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, जो सर्विलियंस है इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, निगरानी करना, ठीक है दोस्तों, निगरानी करना या फिर रखवाली करना, ठीक है। और जो इसका एंटोनियम्स है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, अपोजिट इसका, नेगलेक्ट। नेगलेक्ट का मतलब क्या दोस्तों, उपेक्षा करना, या फिर इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं दोस्तों, किसी चीज़ पर ध्यान ना देना, ठीक है, नेगलेक्ट कर देना उस चीज़ को। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट एंटोनियम्स है वो क्या है, नेगलेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स। दोस्तों, यहाँ पर एंटोनियम्स बताना है किस चीज़ का, डिमोलिश का। तो बताइए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डिमोलिश का जो एंटोनियम्स है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट, ठीक है। दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ, डिमोलिश है दोस्तों उसका जो मीनिंग है, उसका मीनिंग क्या होता है, ध्वस्त करना, ठीक है दोस्तों, किसी चीज़ को ध्वस्त करना या फिर धूल में मिला देना। और जो इसका जो करेक्ट एंटोनियम्स है वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या दोस्तों, आप सभी जानते हैं, बनाना, ठीक है, किसी को बना के रखना है, बनाना, उसका अर्थ हो जाता है कंस्ट्रक्ट का। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों हमारा अगला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। दोस्तों, हमें इडियम एंड फ्रेसेस बताने हैं किस चीज़ का, स्टिर अप अ हॉर्नेट नेस्ट। तो यहाँ पर इसको जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 है, प्रोवोक ट्रबल, ठीक है दोस्तों। प्रोवोक ट्रबल है दोस्तों, उसका अर्थ क्या होता है, परेशान करने वाला, ठीक है दोस्तों, किस चीज़ को परेशान करने वाला जो होता है वो क्या होता है, प्रोवोक ट्रबल कहलाता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इडियम्स जो इसका करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। दोस्तों, हमें यहाँ फिर से सिनोनिम्स बताना है किसका, ग्यूल का, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर ग्यूल का जो सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप लोग को ऑप्शन नंबर 2 है, डिसेट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो ग्यूल है, इसका जो मीनिंग होता है उसका क्या होता है दोस्तों, छल करना, ठीक है, क्या कह सकते हैं दोस्तों, एक तरह से किसी के साथ छल करना, इसका जो मीनिंग है, ठीक है, अर्थ हो जाएगा। और उसका जो करेक्ट सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएगा, डिसीट। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है यहाँ पर, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों, यहाँ पर हमें गलत स्पेलिंग वाला ऑप्शन बताना है कि कौन से ऑप्शन में गलत स्पेलिंग लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। सिंसियरली में दोस्तों ये गलत स्पेलिंग लिख रखी है। सिंसियरली कैसे लिखते हैं दोस्तों, SINCERELY, ठीक है, सिंसियरली की जो करेक्ट स्पेलिंग है ये हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे, दोस्तों इस वीडियो में जो भी कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया, अगर आप लोगों को ज़रा सा भी इंपॉर्टेंट लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हो सके दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। दोस्तों, यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर जो दैट विच इज़ नो लॉन्गर यूजफुल है, इसका दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट मीनिंग वाला एक ऑप्शन है, तो बताना है हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसके जैसा सेम मीनिंग वाला। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 होगा, रिड्यूटेंट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा रिड्यूटेंट। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ, दैट विच इज़ नो लॉन्गर यूजफुल का जो मीनिंग है दोस्तों वो क्या होता है, वह जो अब उपयोगी में नहीं है, ठीक है दोस्तों, या फिर वह जो अब लंबे समय से उपयोग में नहीं लाया गया है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका सेम मीनिंग वाला हो जाएगा, वो कौन सा है, रिड्यूटेंट, ठीक है दोस्तों। इसका अर्थ क्या होता है, अनावश्यक, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं फालतू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन।
दोस्तों हमें यहाँ बताना है समथिंग दैट इज जीनियस, इसका सेम मीनिंग वाला ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 सोचा है तो बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समथिंग दैट इज जीनियस का जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ ऐसा दोस्तों जो प्रतिभाशाली है। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कुछ ऐसा जो सबसे अलग है, प्रतिभाशाली है। ठीक है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सेम मीनिंग वाला हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रमाणिक, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों विश्वसनीय या फिर ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपने लोग का ऑप्शन नंबर 3 होगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर दोस्तों हमें एक्सपोज का करेक्ट सिनोनियम्स बताना है कि सिनोनियम्स क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग को ऑप्शन में से दिए गए ऑप्शन में से, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, रिवील। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो एक्सपोज है इसका जो मीनिंग होता है दोस्तों उसका मतलब होता है बेनकाब करना किसी चीज़ को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों किसी चीज़ को प्रकट करना किसी के सामने, तो एक्सपोज का अर्थ ये हो गया, और उसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, रिवेल। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अगला, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्पेलिंग जो है गलत है हमें बताना है यहाँ पर, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, जो ईगल है दोस्तों, ईगल की स्पेलिंग क्या होती है, रियल, ई ए जी एल ई। ठीक है, ईगल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ये। तो ये क्या है दोस्तों, गलत है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, रॉन्ग स्पेलिंग जो है दोस्तों ईगल की है, और जो ईगल है दोस्तों उसका मतलब क्या होता है, चील। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। दोस्तों यहाँ पर हमें सिनोनिम्स बताना है किस चीज़ का, एडवर्सरी का। ठीक है, बताइए एडवर्सरी का जो यहाँ पर सिनोनिम्स है करेक्ट वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, रिवेल। दोस्तों यहाँ बता दूं मैं आप लोगों को, एडवर्सरी है इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो विरोधी। ठीक है, प्रतिद्वंदी, या फिर दोस्तों हम कहते हैं इसको अपोनेंट। तो इसका जो रिवेल है दोस्तों करेक्ट सिनोनियम्स है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में से दोस्तों किस ऑप्शन का स्पेलिंग गलत है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 है। सेलिब्रेशन को दोस्तों कैसे लिखते हैं, ये हमारा गलत स्पेलिंग है, उसको लिखने का सही तरीका क्या है, सी ई एल ई बी आर ए टी आई ओ एन। ठीक है, सेलिब्रेशन की स्पेलिंग हमारी करेक्ट ये हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच इज़ द अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों हमें यहाँ पर डिसीमेट का हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट, डिसीमेट का अपोजिट मीनिंग कौन सा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रिजर्व, यहाँ पर दोस्तों जो डिसिमेट है इसका जो मीनिंग होता है वो होता क्या है, आखिर में बता दूँ आप लोगों को, इसका अर्थ होता है दोस्तों तबाह करना। ठीक है, या फिर कहते हैं दोस्तों बर्बाद करना। और दोस्तों यहाँ पर जो प्रिजर्व है इसका मतलब क्या होता है, बना के रखना। ठीक है, इसको सेफ रखना, किसी चीज़ को बनाए रखना, तो इसका अर्थ हो जाता है प्रिजर्व का, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें हमें बताना है कौन से सेक्शन में एरर है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोग देख सकते हैं जो सेंटेंस है यहाँ पर कंटेंट यूज़ कर रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो सेंटेंस है वो पास्ट में है। ठीक है दोस्तों, हम जब ट्राई क्या करते हैं कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस भी बिल्कुल पास्ट में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सेक्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इज आ रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जब एक सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरे सेंटेंस को भी हम क्या करेंगे, पास्ट में चेंज कर लेंगे। तो उसके दोस्तों यहाँ पर इज की जगह पर क्या करेंगे, हम वॉज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो हमारा सेक्शन नंबर ए में है दोस्तों वो यहाँ पर एरर है। ठीक है, यहाँ पर इसके जगह दोस्तों हम क्या करेंगे, वॉज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तब क्या दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है पूरा कंप्लीटली पास्ट सेंटेंस में हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों, ये भी स्पॉट एंड एरर का क्वेश्चन है दोस्तों, हमें बताना है यहाँ पर कि कौन से सेक्शन में एरर है। दोस्तों यहाँ पर जो न्यूज़पेपर टोल्ड अबाउट द इवेंट दैट हैपेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पर दोस्तों इसका जो मीनिंग है क्या है, जो न्यूज़पेपर होता है दोस्तों वो वर्ल्ड में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उसके बारे में हमें क्या करता है दोस्तों, बताता है। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पर सेंटेंस है ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो न्यूज़पेपर दोस्तों आज भी हमें वर्ल्ड में होने वाले चीज़ों के बारे में बताता है, इवेंट्स के होने वाले इवेंट्स के बारे में बताता है, और कल भी बताएगा और हमेशा बताता रहेगा। तो एक तरीके से दोस्तों ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और दोस्तों स्पॉट एंड एरर में एक रूल होता है कि जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसमें उस समय क्या होता है दोस्तों, जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टोल्ड है ये किसमें दे रखा है, पास्ट में दे रखा है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर टेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में
ठीक है, जो सेक्शन नंबर ए है इसमें क्या है, एरर है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों हमारा अगला, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स एंड सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर हमें, यहाँ पर दोस्तों जो अ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून, इसका जो रियल ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फोर है बिल्कुल सही हो जाएगा, मैटिनी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, अ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून, इसका जो अर्थ है, यहाँ पर जो मीनिंग है क्या है कि दोपहर के समय दिखाया जाने वाला जो सिनेमा है दोस्तों, सिनेमा का जो शो है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, मैटिनी कहते हैं। ठीक है, मैटिनी कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है अ हैंडसम मैन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बताइए ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर थ्री होगा। ठीक है, एडोनिस, यहाँ पर दोस्तों जो एडोनिस है इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, अति सुंदर युवक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम कह सकते हैं सुंदरता का देवता, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों हमें दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है तो वो हमें बताना है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही होगा, एकोमेंडेशन को दोस्तों ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और जो एकोमेंडेशन है दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, निवास, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग टू द फॉलोइंग ऑप्शन। दोस्तों यहाँ दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी है फुलफिल की क्या होगी, तो जो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर वन होगा। ठीक है, फुलफिल की जो करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों क्या है, FULFIL, फुलफिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह दोस्तों चूज द करेक्ट एंटोनिम्स टू द फॉलोइंग ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर इनिएट का हमें एंटोनिम्स बताना है, तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर वन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो इनेट है उसका जो एंटोनियम से वो क्या हो जाएगा, एक्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो इनेट है दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, कुदरती। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कुदरती, और यहाँ पर जो एक्वायर्ड है दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, प्रकृति से प्राप्त ना होने वाला। ठीक, तो दोस्तों ये थे आप लोग के आज के टॉप 20 इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।